नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोच। निकालो साजिद खान को, इविक्ट करो साजिद खान को। आखिरकार क्यों इस तरीके से सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है? आखिरकार क्यों हर एक जो गलत चीज हो रही है, चाहे वो शिव के साथ हो, चाहे प्रियंका के साथ हो, या फिर अब्दू के साथ क्यों ना हो, उसके लिए साजिद खान को क्यों जिम्मेदार बताया जा रहा है? चार बड़ी वजह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दनादन कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साजिद खान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हम सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि साजिद खान का गेम क्या है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चार हफ्तों से साजिद खान एज अ पर्सन इंडिविजुअल हमें हिलेरियस तो दिखे हैं, बट गेम की अगर बात करी जाए तो गेम में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं नजर आ रहा है। मेकर्स भी इस वजह से हैरान हैं कि क्यों साजिद खान रुके हैं। मैं आपको बता दूं तो क्यों रुके हैं, क्योंकि यहां पर अब्दू के ट्रांसलेटर की एक बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों बता दूं? क्योंकि ऑफ कोर्स फराह खान के वो भाई है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि साजिद खान को सोशल मीडिया पे भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने कल के दिन देखा होगा तो जो क्रोसो को लेकर जो हंगामा हुआ क्रोसो को लेकर जो हंगामा हुआ था हमने देखा। साजिद खान ने जो है दूसरों का भी क्रोसो खा लिया और यहाँ पर अब्दू पे इल्जाम लगा दिया। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अब्दू पर तो इल्जाम लगाया, साथ ही साथ यहाँ पर शिव को, जिसको उन्होंने राशन तक नहीं दिया था, उससे ये बात बोलते हैं कि तू अपना क्रोसो जो है वो दुनिया में बांट दे, यानी कि अर्चना को दे दे। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि साजिद खान को सिर्फ और सिर्फ वहां पे राशन खाने के लिए भेजा गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो जब जब जो जो राशन का टास्क आया है, जितना भी ग्रोसरीज का टास्क आया है, साजिद खान के ही इर्द गिर्द उसे बुना गया है। पास्ट का ही देख लीजिए ना, वो हॉस्टल वाला गार्ड बना दिया गया उनको, और स्पेशली सबसे बड़ी फैसिलिटी कि आपका जो मन चाहे वो आप जो है रखिए राशन, और जो बांटना है वो बांट दो, अगर खुश होकर बांटना है तो बांट दो। तो उन्होंने यहाँ पे शिव को याद नहीं किया, ना ही अब्दू को याद किया, ना ही अपने खास दोस्त अंकित को याद किया, बल्कि उन्होंने याद किया किसे? शालीन को याद किया। और वहीं फिर उसके बाद जब राशन देने की बारी आई तो शालीन को याद करके उन्होंने कर दिया। बल्कि ये वही है साजिद खान जिन्होंने पहले ही हफ्ते शालीन के साथ लड़ाई झगड़ा करके माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिए थे। अगर बात की जाए बिग बॉस में कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो हमने साफ तौर पर देख लिया कि भैया यहाँ पर साजिद खान किसी भी तरीके का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। आज प्रियंका अगर शिव की दुश्मन बनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर कि शिव जो है जैसा बोलता है उनका ग्रुप वैसा चलता है। ये बात किसने बोली थी? ये बात साजिद खान ने बोली थी, और साजिद खान की इसी बात को प्रियंका ने पकड़ लिया, और इसी बात पर आज प्रियंका और शिव की लड़ाई होती है। वहीं अब्दू की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अब्दू को वो कितना गलत गलत सिखाते हैं, गौतम को बाहर निकाल दो। क्यों मुझे यहाँ पे पूछना है सवाल कि क्यों यहाँ पे सलमान साहब जो हैं वो साजिद खान को कुछ नहीं कहते कि भाई साजिद खान तुम कर क्या रहे हो बिग बॉस के घर में? आप अगर नोटिस किया होगा तो 10 मिनट का डेली उनका कंटेंट रहता है अब्दू के साथ, और क्या रहता है कि अब्दू तू ये कर, अब्दू तू वो कर, अब्दू तू ऐसा कर। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब्दू को साजिद खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ट्रांसलेटर बन गए, और डे वन से हो रहा है ये भाई। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा गेम है, यहाँ पर अब्दू के बेसिस पे सारी चीजें बोल डाली जाती है, और अब्दू को बकायदा मैनिपुलेट भी किया जाता है। वो कितनी गंदी बातें सिखाते कि अगर कोई लड़की जबरदस्ती तुमको यहाँ किस करेगी तो तुम क्या करोगे, यहाँ किस करेगी कान खाजेगी तो तुम क्या करोगे। तो साजिद खान ये कर रहे हैं दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए तो लाइव में भी वो कुछ खास नहीं करते रहते, बस पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बिग बॉस के घर में अगर फुटेज की बात की जाए तो फुटेज तो उनकी तरफ से नहीं आ रहा, ना ही वो अदर कॉन्वर्जेशन में बीच में जो अंकित से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंकित तुम कुछ बोलते नहीं हो। तो यहाँ पर यही है कि साजिद खान आप कुछ बोलते नहीं हो। सो दोस्तों आपको क्या है कहना इन बातों को लेकर? पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या कहना है आपको साजिद खान के इस रवैये पर, जिस तरीके से वो बिग बॉस में नजर आ रहे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए, बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे टेली खजाना। मुझे इजाजत दीजिए।